दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने WhatsApp की एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से लॉक कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि आपका कोई फैमिली मेंबर या फिर आपका कोई फ्रेंड आपके फोन को लेता है तो आपके WhatsApp को इजिली ओपन करके आपकी पर्सनल चैट वगैरह भी रीड कर सकता है। लेकिन अगर आप इस पर लॉक लगा देते हैं तो आपकी परमिशन के बिना, उस लॉक को एंटर किए बिना कोई भी आपकी WhatsApp की एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर पाएगा। ऐसा तो आपको पता है दोस्तों कि प्ले स्टोर पर काफी सारी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको मिल जाती है जिनकी हेल्प से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे फोन की सेटिंग में हमें एक फीचर ऐसा दिया गया है जिससे कि हम अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को यहाँ पर लॉक कर पाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि विदाउट एनी एप्लीकेशन अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को किस तरह से लॉक किया जाता है, किस तरह से उसको सिक्योर किया जाता है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन पर लॉक लगाना चाहते हैं ताकि आपकी किसी भी पर्सनल चैट को कोई रीड ना कर पाए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आ जाना है। नीचे की साइड आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्स के नाम से। आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से भी हो सकता है। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बॉटम पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐप लॉक के नाम से। अब ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं मैं रेडमी के फोन में बता रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड का फोन यूज करते हैं और आपको इस तरह से ऐप लॉक का फीचर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपली अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है, ऊपर की साइड आपको सर्च बार मिल जाएगा, इस पर टैप करना और यहां पर आपको टाइप कर देना होगा ऐप लॉक। जैसे कि चलिए मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे ही ऐप लॉक आप टाइप करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पर ऐप लॉक का फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे आप इसको फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पैटर्न या पिन क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पैटर्न क्रिएट किया हुआ है तो मैं अपने पैटर्न को यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आपको अपना पैटर्न या पिन यहाँ पे क्रिएट कर लेना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे आपके फोन की जितनी भी एप्लीकेशन होती है उन सबकी लिस्ट इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब यहाँ से आप अपनी जिस एप्लीकेशन को भी लॉक लगाना चाहते हैं उसको इजीली लॉक लगा सकते हैं। तो मैं जैसे कि अपनी WhatsApp को लॉक लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी WhatsApp को सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को सर्च कर लिया है। WhatsApp को सर्च करने के बाद इसके सामने आपको एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस बटन को इस तरह से ऑन कर देना है। बस दोस्तों हमारा काम यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आप ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको अपनी WhatsApp को ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपनी WhatsApp को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझसे पैटर्न मांगा जा रहा है। अब जब तक मैं अपना पैटर्न यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा तब तक मेरी WhatsApp इस तरह से ओपन नहीं होगी। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी विदाउट एनी एप्लीकेशन अपनी WhatsApp की एप्लीकेशन को लॉक करके उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।